नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर, एसपी ऑफिस और अन्य शासकीय कार्यालयों पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। एसपी ऑफिस परिसर में इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादियों की भीड़ देखने को मिली, जहाँ पुलिस अधिकारियों ने सभी फरियादियों की शिकायतों को सुनते हुए उनके जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में पहुंची एक बहू और उसकी सास ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके द्वारा गेंडे वाली सड़क पर कंट्रोली दुकान का संचालन किया जाता है, जहां तीन युवक राहुल गुप्ता, आनंद माहौर और एक अन्य के द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाता है और गलत हरकत की जाती है। ऐसे में उनका इलाके में दुकान संचालित करना मुश्किल हो रहा है और परेशान होकर वे कोई गलत कदम उठा सकती हैं। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम अंजलि खान है। मैं वहाँ से गेंडे वाली सड़क से हूँ। ये मामला है कि हम एक राशन की दुकान चलाते हैं, उपभोक्ता अपना भंडार चलाते हैं। उसमें आकर हम 3 साल से दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब जाकर कुछ ना युवक, अज्ञात युवक जो अपने आप को हिंदू महासभा के सदस्य कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, वो आके हमें परेशान कर रहे हैं, जातिवाद टिप्पणी कर रहे हैं, मुझसे बदतमीज़ी करते हैं। जब हमारी मम्मी नहीं रहती, वो आके सीधे आ जाते हैं हमारी दुकान में, ठीक है, हमसे बदतमीज़ी करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं। जो कहते हैं कि हम एक महिला पर दबाव बनाया जा रहा है, जो कह रहे हैं हम तुम्हारी यहाँ पर दुकान नहीं चलने देंगे। यही कारण है महिलाओं पर दबाव बना रहे हैं यहाँ पर, और पैसे मांगते हैं हमसे कि हमें पैसे दो, नहीं तो हमें राशन दो एक्स्ट्रा। वो अपने आप को, उनका नाम है आनंद माहौर है, राहुल गुप्ता, राहुल शाह के, जो अपने आप को हिंदू महासभा के संगठन के अधिकारी बताते हैं, तो कहते हैं हम तो, मैंने उनसे बोला कि भैया आप बिना इजाज़त के अंदर नहीं आ सकते। कह रहे हम तो ऐसे ही आएंगे, तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपने पहले थाने में कोई कंप्लेंट करी? हमारी एक बार थाने में की थी, क्या हुआ? लेकिन वहाँ से हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब मजबूरन कारणवश आके हमें यहाँ पे आना पड़ा, अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ी। आपने आवेदन दिया? ये किया गया कि आपकी कार्रवाई होगी, मैम पता लगाएंगे और उनकी कार्रवाई होगी। और मैं ये चाहती हूँ कि जो महिलाओं को संग इतना प्रताड़ित किया जा रहा है हमको रोज़ के रोज़, ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार चल गया, लेकिन अब 5-6वीं बार हुआ है तो हमको मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा है। और अगर ऐसा ही होगा कि महिलाओं को इतना दबाया जाएगा तो, या फिर हम यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम भी कुछ कर लेंगे। ये जातिवाद टिप्पणी होती है हमसे, जो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे आजीविका चलाने के लिए हमारे घर में कोई मर्द तो है नहीं है, ऐसे मेरे ससुर साहब है नहीं है, ठीक है, हमारे घर में कोई है नहीं है, हम चलाते हैं दुकान को, हम अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करें ये बताइए आप। इसलिए हम बहुत परेशान हैं इन लोगों से। वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग वहीं हमारे मोहल्ले के ही हैं। कौन सा मोहल्ला? गेंडे वाली सड़क। वहीं जनसुनवाई पहुंचे चंदन नगर हजीरा निवासी आशीष चौहान ने आरोप लगाया है कि इलाके के एक दबंग युवक द्वारा यहां अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी ही शिकायत विजय शर्मा, राजू नवाई और एक अन्य साथी द्वारा उसे लगातार धमकाया जा रहा है। साथ ही झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में प्रार्थी की सुनवाई कर उसकी मदद की जाए। साथ ही अगर आरोपियों द्वारा कोई झूठी शिकायत उसके खिलाफ की जाती है तो उसकी पूरी जाँच कराई जाए। आशीष चौहान नाम है सर। क्या आवेदन दिया है? सर मैंने इस तरीके का आवेदन दिया है, हमारे मोहल्ले में अवैध शराब का धंधा होता है, अवैध हथियारों का होता है, अवैध जुआ का होता है, सट्टे का होता है। और सर मैंने इस पर अभी कुछ समय पहले थोड़ी कार्रवाई की थी तो सर इन्होंने मुझे, तो इनका एक आदमी पकड़ गया था, पकड़ने के बाद में वो 6 महीने जेल काट के आया, फिर उसने अपनी लड़की के जरिए मुझ पर, सर विजय शर्मा नाम है, राजू नाई, ये सर चंदनपुरा में, और सर अगले 5 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ सर, तो क्या मामला हुआ सर? इन 13 पेटी इनके पास पाई गई थी सर। नहीं, आपकी सुनवाई क्यों नहीं करी सर? पुलिस को पैसा जाता है ना थाने को, थाने सर हजीरा थाना, कल TI साहब से मैंने बात की थी सामने, मैंने उनको फोटो भी दिखाई, मैंने सर देखो सोशल मीडिया पे, मैंने सर सोशल मीडिया पे खुले हम धमकी दे रहे हैं, उन्होंने बोला मैं कार्रवाई करूंगा। सर आप मेरी FIR लग रही, कार्रवाई किस चीज़ की करेंगे आप? सोशल मीडिया पर कौन ने धमकी दी? विजय शर्मा ने सर, मेरे पास फुटेज है उसके। ये देखिए सर, खुले आप धमकी दे रहा है सर। आवेदन दिया तो ये बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। सर ऐसी कार्रवाई तो मैं देखता रहता हूँ, होती नहीं है कुछ। एक बच्चा है, यदि मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस वाले होंगे कि ये लोग?
ये बताओ, मैं अपने बच्चों को, हमारा दूध का डेयरी का काम, सुबह 4 बजे जाते हैं और शाम को भी जाते हैं, तो ये इनके इनके जो मिलने वाला है तस्कर है मुरार का, तो वो समझ लो बाइक से हमारी गाय के पास से धीरे धीरे और पिस्टल ऐसे खोल लेगा, पिस्टल खोल लेता है, पिस्टल दिखाता हुआ निकलता है। कहाँ रहते हैं ये जो इनके जो तस्कर है ना संग वाले, वो रहता है एक मुरार, एक रहता है गोले के मतलब, और विजय चंदनपुरा में रहता है, हमारा पड़ोसी है। आए दिन आज जनसुन भाई में काफ़ी अलग अलग तरह के डाइवर्स मामले आए थे, करीब काफ़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर आए थे, उन सब की सुनवाई की गई और अभी उन सब पे एक्शन किया जाएगा।